बचा नहीं। आगे हम देखते हैं उख्त लअब, एक अकेली औरत बची। इसकी पांच नहीं छह हालत होती है। उख्त लअब, उख्त शकीका की पांच हालतें आपको याद रखने का तरीका क्या है? बेटियों को सामने रख के याद करें कि जो तीन बेटियों की हालत है वही इसकी, ये तीन याद हो गया। एक हज के बारे में ये सोच लें कि ये वास्ते से है इसलिए ब्लॉक भी होगी, फिर वो ब्लॉक की सारी शक्लें कितना हो गया चार। और एक असबा माल गैर वाला कि जब ये मुअन्नस के साथ आती है तो असबा माल गैर बनती है। वो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस याद कर लें, वो हदीस हमेशा याद रखें, तो उससे आपको ये असबा माल गैर की शक्ल भी याद रहेगी। तो ये पाँच हालतें, तीन बेटियों वाली, एक महजूब की और पांचवी असबा माल गैर की अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस वाली हालत। वही पांचों इसकी भी हैं, वही सेम, एक थोड़ा बढ़ती है। तो पहले हम वो पांचों देख लेते हैं। पहली हालत महजूब की, महजूब, और इसकी भी सारी हालतें आपके सामने आ चुकी हैं, इसमें कोई नई बात नहीं, बस हमको एक तरतीब से उसको पढ़ना है। कौन कौन ब्लॉक करेगा इसको? फुरू या उसूल में मुजक्कर हो, एक हो गया इसका ब्लॉक करने वाला। और कौन ब्लॉक कर सकता है? हज्ब के कवायद की रोशनी में आप बता सकते कौन कौन ब्लॉक कर सकता है? हाँ, और कौन ब्लॉक करेगा? उख्ते शकीका जब असबा माल गैर बने तब, वो भी कह सकते हैं आप। और कौन, और कौन ब्लॉक करेगा? हवाशी में देखिए लिखा हुआ है कि हवाशी का मुजक्कर दूर के तमाम मुजक्कर मुअन्नस हवाशी को ब्लॉक कर देता। तो इससे पहले भी कोई है उख्त लअब से पहले मुजक्कर हवाशी में? कौन है? अक्षकी। अक्षकी किसको ब्लॉक कर देगा? अक्षकी भी ब्लॉक करेगा। और जो आपने कहा उख्त शकीका जब असबा माल गैर बने, उख्त शकीका जब असबा माल गैर बने तो ये ब्लॉक हो जाएगी। एक और सूरत है उसको हम बाद में देखेंगे, उससे पहले दूसरी चीज देख लेते हैं। उसके बाद क्या है बाकी? असबा बिल गैर आसिम मौजूद हो, या आप ये लिख सकते हैं असबा बिल गैर बाकी जब आसिफ मौजूद हो। आसिफ कौन होगा? उख्त लअब का अख लअब होगा। एक और इसके बाकी पाने की हालत है, इसको असबा माल गैर है, ऐसा कर दे। असबा माल गैर कब बनेगी? ये फुरू में मुअन्नस हो, और फिर बाकी वही दो बटे तीन तअद्दुद और एक बटे दो इंफराद जब अकेली हो। ठीक है, देखिए जनाब, ये एक दो तीन चार पांच, एक थोड़ा रह गया उसके बाद में ये पांच हालते, ये महजूब हो जाएगी अगर फुरू या उसूल में कोई भी मुजक्कर हो। ये पहले आप मिसाल पढ़ चुके, जैसे एक आदमी मर गया, उसकी है बीवी, उसकी है माँ, उसका है बाप, उसका है बेटा और उख्त लअब। ज़ौजा को कितना मिलेगा? एक बटे आठ। उम को एक बटे छः। बाप को एक बटे छः। बेटे को बाकी उख्त लअब कौन? ये भी दोनों। और अगर हम बाप को हटा दें, बाप को हटा दें तो भी बाकी इसी को मिलेगा और ये ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, उम है और अख शकीक है। कौन? अख शकीक है और अख लअब और उख लअब। माँ को कितना? एक बटे छः। बहुत सारे भाई हैं, अख शकीक को बाकी ये दोनों ब्लॉक। कौन ब्लॉक करेगा? अख शकीक ब्लॉक करेगा। उख्ते शकीका की आप मिसाल पढ़ चुके हैं, उख्ते शकीका असबा माल गैर हो तो जैसे उसको अख लअब को ब्लॉक करती है ऐसे उख्त लअब को भी ब्लॉक करती है। अख लअब को ब्लॉक करने की मिसाल देख चुके हैं ना, वही मिसाल ये भी समझ लें, ये उख्ते शकीका ब्लॉक कर देती है। अब देखें आप
अगर ये सूरत हो, जौजा को कितना मिलेगा? एक बटे, जौजा को एक बटे चार, माँ को एक बटा छः, और इन दोनों को बाकी आसबा बिल गैर बाकी। और अगर आखले अब नहीं है, बिनत है लड़की, जौजा को, माँ को, बेटी को, इसको बाकी मिलेगा। और अगर दो है तो जौजा को एक बटे चार, माँ को एक बटे छः, डबल है, को दो बटे तीन। और अगर इसको हमने एक कर दिया तो एक बटा उख्तलियब को दो, और इसको भी बदलना होगा, एक बटे छः को एक बटे तीन करना होगा। ये देख लिया आपने सब, ओके। ये क्या है जो बीच में हमने छोड़ दिया है? ये है एक बटे छः। अब बेटियों पोतियों का मसला, अभी पोतियों का मसला ज़हन में रखिए। नीचे कोई पोती हो और ऊपर बेटी को सिर्फ एक बटे दो मिला हो, तो गोया कि पूरा सुलसेन बेटियों तक नहीं गया, तो वो एक बटे छः नीचे वाली को दे देते हैं। तो ऐसे ही बहनों का हिस्सा भी सुलसेन है। कितना है? सुलसेन है, दो बटा तीन। तो ऊपर अगर कोई उक्त शकीका हो, ये तो उक्त लिया है ना, ऊपर उक्त शकीका हो तो एक बटा दो पाएगी वो, एक बटा दो मिलेगा ना उसको। और फिर नीचे अगर कोई उख्तलियाब आ जाए तो गोया कि एक बटा दो यानी दो बटे तीन में से एक बटे छः बच रहा है। जैसे वहाँ हम बेटी से बचा हुआ पोती को थमा दिए थे, ऐसे यहाँ सगी बहन से बचा हुआ हम बाप शरीक बहन को दे देंगे। जैसे एक आदमी मर गया, उसकी बीवी है, उख्त शकीका है और उख्तलियाब है, उख्तलियाब है, आम शकीक है, चचा है, बीवी को कितना देंगे? एक बटे चार। उख्त शकीका को एक बटा दो, उख्तलियाब को एक बटा छः देंगे, क्योंकि सुलसेन मुकम्मल करने के लिए, सुलसेन मुकम्मल करने के लिए, और बाकी इसको दे देंगे। ये समझ में आ गया? क्या लिख देंगे? एक बटा दो पाने वाली उख्त शकीका को, उक्त शकीका हो तो इसको एक बटे छः मिलेगा। एक चीज़ और रह गई है, अगर आप इसमें गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कभी कभी ये उख्तलियाब के महरूम होने की एक शक्ल और भी हो सकती है। जैसे बिनतुलेब ने मैंने आपको बताया था कि महजूब होने की शक्लें आपको बताई गई थी, लेकिन एक महरूम होने की भी शक्ल थी कि जब ऊपर की बेटियों को दो बटे तीन मिल जाए तो नीचे पोती बैठी रह जाएगी, उसको कुछ मिलेगा नहीं, महजूब नहीं हो रही, कोई महजूब नहीं कर रहा है, महरूम हो रही है। तो हमने उसको भी शामिल कर लिया था महजूब के उसमें। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा कि अगर ऊपर दो उक्त शकीका हो और नीचे उक्त लिया हो, ये भी हो सकता है कि कोई महजूब करने वाला ना हो, लेकिन चूंकि दो बटे तीन ख़त्म हो चुका इसलिए ये महरूम रह जाएगी। तो यहाँ ये लिख सकते हैं, सगी बहनों में दो बटे तीन खत्म हो जाए, है ना। और उख्तलियाब का आसिब ना हो, क्योंकि अगर इसका आसिब हुआ तो फिर वो अपने उसमें ले लेगा जो आप कहना चाह रहे हैं। जैसे जौजा बीवी और दो उख्त शकीका और एक उख्तलियाब और एक आम शकीक, जौजा को कितना? एक बटे, ये दो उख्त शकीका सगी बहन को कितना? दो बटे तीन। उख्तलियाब को कुछ नहीं, खत्म हुआ, बाकी इसको। लेकिन लेकिन अगर यहाँ पे आखलियाब हो, आखलियाब हो, फिर क्या होगा? इन दोनों को बाकी, क्योंकि अब जो उख्तलियाब है वो असबा बन चुकी है। अब अगर यहाँ होगा कौन? अब शकी, ये ब्लॉक हो जाएगा, ये दूर हो गया, अब समझ रहे।
यहाँ तक सब ख़त्म हो चुका, असबा भी ख़त्म हो गए, असाबुल फ़ुरूज भी ख़त्म हो गए, फ़राइज़ में सारी बहस यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके बाद जो बहस है वो असल में हिसाब किताब की है।